बेतियाहाता स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर शुक्रवार को लोक बंधु राज नारायण और काशीराम की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने और संचालन जवाहरलाल मौर्य ने किया। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लोक बंधु राज नारायण और काशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि अन्याय के विरुद्ध राज नारायण जी आजीवन संघर्षशील रहे। अंतिम सांस तक वो गरीबों के हित के लिए लड़ते रहे। शोषण मुक्त समाज और अभाव मुक्त समाज हो, इसे वो व्यवहार में भी देखना चाहते थे। उनके रास्ते पर चलने का संकल्प ने उनके बताए रास्ते पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। काशीराम जी की जीवन यात्रा प्रेरणादायक है। उनके लिए राजनीति एक बड़े सामाजिक परिवर्तन का जरिया था और आज जयंती के मौके पर हम सब उन्हें याद कर रहे हैं। इस अवसर पर शारदा देवी, रवि त्रिपाठी, मिर्जा कदीर बेग, रामनाथ यादव, श्याम देव निषाद, अशोक यादव, सिंहासन यादव, इनामुल्ला खान, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, राघवेंद्र तिवारी, राजू मैना भाई सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, आज हमारे बीच दो ऐसे महान विभूतियों का जन्मदिन का कार्यक्रम है जिन्होंने समाज के शोषित वर्ग के लिए, समाज के पीड़ित वर्ग के लिए, वीकर सेक्शन के लिए अपने पूरे जीवन को होम कर दिया। आज हमारे बीच हम मना रहे हैं स्वर्गीय राज नारायण जी को, जो समाजवादी पुरोधा थे हमारे, और हमारे बीच आज माननीय कांशीराम जी, जो सत्ता को दलित की चौखट तक लेकर के अपने संघर्षों के बल पर आए, ऐसे दो महापुरुषों के जन्मदिन को हम लोग मना रहे हैं। वही कार्यक्रम आज हो रहा है।